वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। हमारे पास जो सेगमेंट आया बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और सेगमेंट को कुछ यूँ रिलेट करूंगा कि सदियों पहले जिस खत्ते में हम रहते हैं इंडो पाक में, यहाँ पे अगर आप मुगल्स को देखें, राजपूत को देखें, महाराजास को देखें तो उन्होंने इतनी ज्वेलरी, इतनी एक्सेसरीज पहनी होती थी जो उनके काउंटर पार्ट्स ने भी नहीं पहनी होती थी और वो ज्वेलरी से लदे फदे होते थे। और उसके बाद फिर आप दूसरी जो चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो सूफी कल्चर है उसमें भी आप देखते हैं कि एक्सेसरीज आपको नज़र आएंगी जो लोग वेयर करते थे। मगर फिर अचानक क्या हुआ कि बंदे जो हैं, जो मर्द हैं, वो शाये हुए होने लग पड़े इस ज्वेलरी से। और जो ज्वेलरी है आपकी पर्सनैलिटी में एक एडिशन होती है और बहुत से लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मगर हम थ्रू आउट द ग्लोब देखते हैं कि पूरी दुनिया में, हम एक सर्वे पढ़ रहा था कि अमेरिका में लोग जो कि ज़्यादा मर्द जो थे, हालांकि हम समझते हैं कि एक बड़ा वेस्टर्नाइज कंट्री है और वहाँ पर लोग शाये करते थे मर्द एज़ कम्पेयर टू यूरोप। यूरोप का मैं पढ़ रहा था कि 40 बिलियन डॉलर की जो है यूरो मॉनिटर ने बताया इंडस्ट्री होने जा रही क्लॉथिंग और एक्सेसरीज की। अब इसके बारे में डिटेल्स बताने के इनके पास इख्तियार है जो एक्सपर्ट हैं, फातिमा जदून हमारे पास हैं और हम उनसे पूछेंगे। पहले तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक फातिमा, बहुत प्यारी लग रही है। क्या आज आपने और हमारा ने हमने कहा थोड़ा कोऑर्ड जरा फैशन में कुछ कर लेते, मुझे बता देती मैं भी पहन आती है ना। लेकिन तुमने कलर इतना प्यारा पहना हुआ है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। सही बता रही हूँ, धुन बना दिया आपने मेरा। नहीं नहीं, टील ब्लू सा, इट्स अ वेरी प्रिटी कलर, एकदम आई कैचिंग सा। अच्छा जी, ओके, अब बताएं। अब बिल्कुल, अब उन्होंने कहा मैं नहीं, एक्सेसरीज जो है, पहला सवाल यही बनता है ना कि जब मर्द की हम बात करते हैं तो हमेशा ज़हन में आता है कि इट्स अ मैन हु बायस एक्सेसरीज फॉर वुमेन, यू नो, ये बड़ा कम कॉन्सेप्ट है। आपकी बात ठीक है, लेकिन एक्सेसरीज में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि खाली ज्वेलरी नहीं आती। हम लोगों को एक हमारे माइंड में एक चीज आती है कि जब हम एक्सेसरीज की बात करते हैं, हम जब खवातीन के लिए भी एक्सेसरीज की बात करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम ज्वेलरी की बात कर रहे हैं और ये चीजें, लेकिन एक्सेसरीज में इवन आपका परफ्यूम भी आएगा। अच्छा, ठीक है, देखिए मेरी बात सुने। एक चीज जो आपकी क्लोदिंग के अलावा है, जो चीज आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर रही है, वो चीज आपकी एक्सेसरीज में आ जाएगी। क्योंकि एक्सेसरीज का होना मस्ट नहीं है। अच्छा, दे आर बाय चॉइस, इसलिए इनको हम एक्सेसरीज कह रहे हैं। ठीक है, अब परफ्यूम हर इंसान नहीं लगाएगा, घड़ी हर कोई नहीं पहनेगा, ठीक है, इसी तरह पॉकेट स्क्वायर भी हर एक एक्सेसरी। जो आपने पहली बात की, जितनी गर्मी है वो सबको लगाना चाहिए। हाँ, परफ्यूम हर एक को लगाना चाहिए। और है तो बच्चे, वो चॉइस नहीं है, मैं नहीं कहूंगी इसको मतलब। हाँ, देखिए मैं इस चीज को ऐसे कहूंगी कि कई लोग, अब मैं अगर इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप, अगर आपका हाइजीन अच्छा है, अगर आप अपने आप को प्रॉपर साफ रखते हैं, मैं इसको ओपन अल्फाज में बोलती हूँ, अगर आप इसको साफ करें तो आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये एक्सेसरीज में ही एक चीज आ जाएगी। लेकिन परफ्यूम एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। बहुत दफा आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका कमरे के अंदर दाखिल होते हैं या जब बाहर जाते हैं तो वो अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं, ठीक है, तो एक बहुत हैवी इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों के ऊपर, क्योंकि मेरे ऊपर भी हाँ, मुझे ये चीज पसंद है हर इंसान, यही मैं बता रही हूँ। एक्सेसरीज हम आज आपको मर्दों की बहुत एक्सेसरीज बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आप उनमें देखें कि एक वाजे फर्क हमें नजर आता है। हमें अपनी इंडस्ट्री में भी आप देखो, हमें एकदम कई लोगों की पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं कि जिनको हम कहते हैं कि यार इन्होंने कुछ स्टाइलिश तो रखा ही होगा, ठीक है, मोस्टली स्टाइलिश नहीं होता, आप यकीन करें, लेकिन अगर अपने ऊपर आप थोड़ी सी तवज्जो दें और उन सारी एक्सेसरीज में से कुछ अपनी फेवरेट, अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक अगर आप एक्सेसरीज उठा लेंगे तो आपकी स्टाइल गेम काफी ऑन हो जाएगी। अरे वाह, पहले मेरे ख्याल से हम पिक्चर्स दिखाते हैं, इसमें सारी एटलीस्ट वो मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, साथ साथ डिस्कस भी करते जाएंगे। अब आप इनमें देखें, इनमें एक्सेसरीज आपको क्या नजर आ रही है? देखें, एक तो शूज बड़े प्रोमिनेंट होके आ रहे हैं, मेरे लिए बेल्ट बकेट जो है ना, वो भी बेल्ट की बात कर रहे हैं, बेल्ट भी मेरे लिए एक्सेसरीज ही आती है, बेल्ट एक्सेसरीज में आती है बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा है जूते थोड़े से ऑफ जा रहे हैं, सनग्लासेस जूते, और ये हो सकता है उसकी देखो अब ये वही हाँ। एक चीज है कि हो सकता है उनकी पर्सनालिटी थोड़ी बोल्ड हो और आपको ये चीज इसलिए अच्छी नहीं लग रही क्योंकि आपको हर चीज बहुत न्यूट्रलाइज्ड अच्छी लग रही होती है। तो मैंने पहले ये चीज की, जब आपने एक्सेसरी यूज करनी है तो वो आपका चॉइस, आपका पर्सनालिटी को बेसिकली डिपिक्ट करेगा। ओके, तो जब भी आप, मैंने अगर मैं तुम्हें, मैंने जो नोट किया है बहुत ज्यादा, तुम्हारी एक्सेसरीज में बहुत ज्यादा गोल्ड और बहुत चंकी चीजें होती हैं। हाँ, ठीक है, और कपड़े ज्यादातर प्लेन होते हैं। हाँ, उनके साथ मेरी कोशिश होती है कि आप मेहनत करना चाह रहे होते, तो वो वाली एक चीज है कि
तुम्हें मैंने ये चीज पे नोट किया, हो सकता है इसको इस इन मॉडल को रेड कलर एकदम कई लोगों का बहुत फेवरेट कलर होता है, उसने बाकी देखो सारा बहुत सटल दिया हुआ था, पॉकेट स्क्वायर था, वॉच थी, सनग्लासेस, ये कुछ ये बहुत आप इवन आपका हेयर स्टाइल भी आपको बहुत ज्यादा करता है, लेकिन हेयर स्टाइल एक्सेसरीज में तो नहीं आता। अच्छा जी, मैं चाहूंगी दूसरी वो दिखा दें प्लीज पिक्चर। इसमें आप देखें वॉच है और इनकी खाली ग्लासेस हैं, ठीक है, अगर इनकी इस पिक्चर में से हम वॉच और ग्लासेस हटा दें तो इनकी उसमें कुछ भी नहीं रुक रहा, ठीक है। पॉइंट ये नहीं है कि उसके अलावा एक लुक अच्छी नहीं आ रही, लेकिन पॉइंट ये कि अगर आप अपनी लुक को थोड़ा सा इनहेंस करना चाह रहे हो तो फिर आप उस चीज को करोगे। डेफिनेटली आपकी जॉब, आप कहाँ पे जा रहे हो, किस ओकेजन पे, उसके मुताबिक भी आपने अपनी एक्सेसरीज को देखना है कि आपने ज्यादा ड्रेसअप भी नहीं हो जाना और डाउन लेवल कुछ चीजें ऐसी जाना। होती है जो कि आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीट करती है। बिल्कुल, ये भी एक है। जैसे आपने जैसे ही मुझे कहा ना कि इमेजिन करें कि आप ग्लासेस और वॉच ही अपनी उतार दें तो क्या, मुझे ऐसा लगा जैसे इनकी पूरी लुक जो है उससे वो डल हो जाएगी, डल हो जाएगी फौरन से। आप ये कह सकते हो कि आपकी स्टाइल गेम थोड़ी ऊपर हो जाती है। कई लोगों के लिए वॉच जो है वो बहुत, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं अगर वैसे, अच्छा वॉच हमारी ज्यादातर, हम अभी आगे तफसील में बात भी करेंगे, लेकिन वॉच हमारी बहुत ज्यादा खत्म होती जा रही है। आप नोट करो क्यों, क्योंकि स्मार्टफोन्स हैं और स्मार्टफोन्स में घड़ी होती है, तो हम लोगों ने टाइम ही देखना है ना अपनी, उसमें हर एक के पास तो फोन है, तो अब लोगों के हाथों में घड़ियां बहुत कम है। अच्छा जो घड़ी है ना उसमें वाटर रेजिस्टेंस घड़ी होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, जिस तरह के वेदर में हम रहते हैं। फ्रेंकली मैं बताऊं, मैं आई यूज्ड टू, मेरी घड़ियां गुम हो जाती थी क्योंकि मुझे एक भूल जाने की आदत है, वजू करना है, आपने घड़ी उतारी तो है, आप उठकर चल पड़े और फिर आपको ध्यान आता है कि मिसिंग समथिंग, बेशक आप आदि हो, ये रह जाता है। मगर जो एक इंपॉर्टेंट बात थी जिससे मैं रिलेट कर रहा था कि अब मैं सिर्फ आना चाहूंगा कि हम अगर मुगल एम्पायर्स को देखते हैं, हम राजपूत को देखते हैं, जो जिस इलाके में हम रह रहे हैं, तो बड़ा हैवली एक्सेसरीज होती थी उनके पास। मगर फिर क्या हुआ अचानक हमारी सोसाइटी में कि अगर मर्द कोई चीज पहनता है तो उसको शाय फील करता है, उसको शायद सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं करती। मैं कहूँ ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन बहुत दफा लोग देखें पुराने जमाने में लोग बहुत प्रैक्टिकल नहीं थे, ठीक है, वो बादशाहों का दौर था, अब बादशाहों का दौर नहीं है, अब हर इंसान खुद ही से बादशाह है ना, ठीक है, वी ऑल हैव टू अर्न, बिल्कुल नहीं करते हैं, यही तो एक बात है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, अगर आप हमारी इंडस्ट्री में ही देखो कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी, सबीन आप देखो बहुत ग्रूम्ड मैन है, अगर हम अपने आप वहीद मुराद को देखो, उनका एक वो स्कार्फ का और एक स्टाइल का अपना हर हेयर स्टाइल से वो उनकी पर्सनालिटी थी। हम कई लोगों, हमारे वो क्यों पुराने स्टाइल आइकॉन्स अभी भी हैं, अभी भी हमारी आप इंडस्ट्री में देखो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं और कुछ नहीं, मैं तो तौसीक साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ, ठीक है, द रीजन के उन्होंने वो शख्स अपने ऊपर मेहनत करते हुए नजर आते हैं, मैं स्टाइल की एक बात कर रही हूँ, मतलब उनके साथ हम लोगों ने काम किया है, उनके पॉकेट स्क्वायर्स, उनकी सॉ, ये सब वो चीजें जो प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है, और ये चीजें वो हैं जो हमें वाजे तौर पे नजर आ रही होती हैं जब आप अपने पे मेहनत करो और ना करो, अच्छे तो आप वैसे भी लगोगे। अच्छा ज्वेलरी की बात कर रहे थे जिस तरह से हम, उनके ज्वेलरी क्या अब आउट ऑफ फैशन है कंप्लीटली? है, बिल्कुल है। अक्सर ब्रेसलेट्स भी हम देखते हैं लड़के पहन रहे होते हैं या चेन्स होती हैं वो, अभी हम आगे पिक्चर्स दिखाते हैं उनमें ज्वेलरी है, ठीक है, इसमें नहीं है। अच्छा नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन अभी आगे आएगी। अच्छा एक ये चीज मैं इसमें बताना चाहूंगी, आप देखो इस पिक्चर में मेन चीज इज स्कार्फ, अगर ये स्कार्फ ना भी लेते ना हमून, तो आप देखो इनकी एक लुक कंप्लीट थी, इन्होंने ऑलरेडी पॉकेट स्क्वायर ऐड किया हुआ था और इनकी लुक, इज कैरिंग अ बैग, पता है बैग, बैग बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, आई लव टू हैव बैग्स, मुझे अच्छा लगता है कैरी करना चीज अपने साथ। मैं एक पूछना चाह रहा था कि आपने, चलिए अब आगे चलते हैं ना, अच्छा जी आप इनकी देखें कॉलर पिन, आप इनकी देखें, हाँ इनकी कॉलर पिन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, वो चेन वाली, ये मैं ये ज्वेलरी में वो ही वाली बात कि मुगल्स तो लिटरली वो अपनी औरतों से भी अक्सर ज्यादा ड्रेस करवाते थे, और नहीं करना चुन के कहीं ना कहीं से फवाद खान की पिक्चर निकाली। देखो अच्छा ब्रेसलेट राइट हैंड में, लेफ्ट इनके हाथ में ब्रेसलेट्स हैं, देखो सबीन, अब ब्रेसलेट से फर्क ये पड़ता है कि ब्रेसलेट्स आपको बहुत ज्यादा आपकी जो ज्वेलरी और ये चीजें बहुत ज्यादा डिफाइन करती हैं। बहुत सारे लोग बहुत चंकी चंकी जो है चेन्स भी पहन लेंगे और बहुत ज्यादा हाथों को भी हैवी कर लेते हैं, तो वो उनकी पर्सनालिटी को करता है जो है ना हमें शो कर रहा होता है। कई लोगों को बहुत डिसेंट, जिस तरह अगर मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मैं लड़का होती तो मैं कभी ना पहनती, नहीं मैं पहनती, लेकिन मतलब मैं वो बहुत ज्यादा जो हैवी हमारी चेन्स होती हैं वो ना शायद पहनती, मुझे होता है एक बहुत ही डिसेंट सी पतली सी आपकी, क्योंकि देखो अगर आप एक चीज, यहाँ तो आप ना पहनो,
ये भी एक पर्सनालिटी में आपकी एक चीज़ को करेगा कि आप काफ़ी मैनली मैन हो जो आपको ये चीज़ें नहीं पसंद है। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं तो मैं आपको एक ये चीज़ भी बताऊं कि देखो बहुत सारे लोगों ने पेंडेंट्स पहने होते हैं या ये चीज़ पहनी, तो आप ये ज़रूर स्टोन्स पहने होते हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या पहन रहे हो, वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक जा रही है नहीं। मैंने बहुत सारे एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं जो म्यूजिशियन हैं, उनको मैंने देखा है उन्होंने बहुत डेलिकेट सी चेन्स पहनी होती हैं और कोई गिटार या वो चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है। और आप नोट करो जब लड़के यंग हो रहे होते हैं, टीन एज की उस एज में जाते हैं, तो कभी आपने नोट किए कि उनके जो ब्रेसलेट्स हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी होंगी, लेदर वाले बैंड्स होंगे, ये चीज़ें होंगी, इन चीज़ों की। और जैसे जैसे आप एक एज में अच्छे उसमें जाने लगते हो तो आपको डेलिकेट ऑटोमेटिकली डेलिकेट चीजें ब्रेसलेट्स कई लड़कों को बहुत पसंद होती हैं। एज का पसंद बड़ा ताल्लुक हो रहा होता है कि आपकी बिल्कुल आप देखो ग्रूम हाँ, होते हैं बिल्कुल होता है क्योंकि एक टीन एज एक ऐसी एज होती है लड़कों की जिसमें दे आर प्रूविंग देमसेल्फ कि यार मैं तो बड़ा कोई माचो हूं, मैंने अपने ग्रुप में स्टैंड आउट करना होता है, दे फील कॉन्फिडेंट। देखो ऐसे होता है कि जब हम इस एज से गुजर रहे थे वी यूज टू फील कॉन्फिडेंट। अच्छा उसमें फिर क्या होता है कि आपको फिर क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ये क्या पहना हुआ, ये क्या पहना हुआ, पेरेंट्स कर रहे होते हैं, अब मैं नहीं करता, पेरेंट्स कुछ अब मैं नहीं करता, हर चीज से सभी नाज़र है। हाँ मतलब हम लोग उसको अपनी इस एज पे, लेकिन अगर हम देखें तो हमने भी अपने टीन एज में पता नहीं क्या क्या किया होगा और अम्माओं से डांट, मैंने तो बहुत डांट खाई है अपनी अम्मा से हर छोटी चीज से, हंस रही हूँ हमने कितनी डांटे खाई। हाँ खुश नसीब है कि हमें कोई डांटने वाला तो है ना, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताए ना कि अब पर्सनैलिटीज़ होती हैं जी, कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो एक्सेसरीज़ की मोहताज ही नहीं होती हैं और कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं मोहताज होती हैं, ये एक सोच है या रियलिटी में भी ऐसा है? नहीं देखें कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो, मैं ये नहीं कह रही हर हर जो शक्ल है वो बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने सबको बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे होती हैं लोग होते हैं कि उनका उनकी अपना ही एक ऑरा होता है, ठीक है, उनको शायद अपने पे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मैं ये कहूंगी कि हम हमेशा एक फिजिकल उस पे चले जाते हैं, आप जो बोल रहे होते हैं उसके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी पर्सनालिटी। Exactly. कहते हैं ना कि आप बेशक फिसल जाए जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अक्सर जुबान जो है वो आपकी सारी, कई लोग कितने हमें देखने में एकदम इतने अपीलिंग लग रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि यार वाह, लेकिन द मोमेंट हम कहते हैं कि यार ये मुंह बंद ही रखते हैं अक्सर, तो ये वो चीज़ है कि पर्सनालिटी, जो आपने पर्सनालिटी की बात की उसमें ओवरऑल हर चीज़, और कई लोग इतना खूबसूरत बोलते हैं लेकिन उनका अपीयरेंस इतना उनके गुफ्तगू को वो नहीं कर रहा होता। तो ये गुफ्तगू से आपने कहा, आप बात कंप्लीट करें फिर मैं गुफ्तगू पे कुछ बात करूंगा। तो ये चीज, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं अपने पॉइंट्स को पूरे कर लूं कि वॉलेट अब मर्दों के लिए, मैं मर्दों की एक्सेसरीज पे अगर हम जाएं, हम ज्वेलरी से निकलते हैं कि वॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ये देखें कि अक्सर लोगों ने वॉलेट रखा होता है तो आप देखो वो बहुत ज्यादा हैवी आपने रखा, आप कार्ड्स के लिए एक अलग वॉलेट रख लो और वैसे आप एक अलग वो रख लो। पीछे से अगर हम ये देखें तो इन्होंने अपनी हैट रखी हुई है, साथ में आप देखो इनकी प्रोमिनेंट एकदम इनकी सॉक्स पे एकदम हमारी नजर जा रही है। अगर ये ब्लैक ही सॉक्स भी कर लेते तो मैं आपको बताऊं ओवरऑल एक डल एक, मुझे इनकी पर्सनालिटी को देखे एकदम ऐसे लगता है कि ही इज अ वेरी कलरफुल पर्सन, थोड़े जॉली टाइप से होंगे और बहुत उसमें, अगर हाँ अगर प्रोफेसर टाइप होते या थोड़ा ये म्यूजिशियन की तरफ ज्यादा मुझे लगते हैं। ये भी एक बड़ी बात है, हमने बड़े ना लोगों को ना म्यूजिशियन है तो ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर है तो ऐसा, हमारी एक अपनी भी एक वो एक, लेकिन आपका डेफिनेटली देखो सभी ना आपकी जो पर्सनालिटी है वो शो करती है। इनका पॉकेट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिसेंट मैं कहूंगी सभी, हमारा एक एक्सेसरी होती है। आप देखो अगर आप एस एन केस में से निकाल दो पॉकेट स्क्वायर तो ओवरऑल एक डल सी लुक आ जाएगी। आप इनकी ऐसा सुन लें, आप पॉकेट स्क्वायर निकाल देना तो आपकी पर्सनैलिटी डल हो जाएगी। लेकिन ये डिटेलिंग देखें पॉइंट मेरा वही एक पॉइंट है, मैं एंड पे भी ये चीज कहना चाहूंगी कि एक्सेसरीज आपकी वार्डरोब को कंप्लीट कर देती हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बगैर आप नहीं चल सकते। अगर हम एक्सेसरीज नहीं भी, जिस दिन हम लड़कियां ज्वेलरी नहीं भी पहनती तो हमें वी आर ओके विद इट, लेकिन डेफिनेटली आपने अगर अपनी लुक को इन्हांस करना है तो एक्सेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो मैं चेक करूंगी आपने क्या एक्सेसरी पहनी हुई है। अच्छा डू आई नीड टू, मैंने यही कहा था, मैंने यही कहा था, ओवर कॉन्फिडेंट आदमी शायद। नहीं लेकिन देखें ओवरऑल आपके लुक यहाँ पे भी एक कंप्लीट है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें हमें अगर अपने, अब जरूरी नहीं है कि आप ब्रेसलेट भी पहने, रिंग भी पहने, वॉच भी पहने, पॉकेट स्क्वायर,
एक चीज कोई भी इंसान अपने मुताबिक जब पिक कर लेता है तो वो चीज ठीक है। फातिमा इनके पास अब आप अगले हफ्ते आएंगी क्योंकि तो एक मैं नहीं बता रही मतलब आप जब भी आएंगी अच्छा दोबारा तो हम चेक कर लेंगे कि हाँ उन्होंने कौन सी एक्सेसरीज जो है वो अभी उन्होंने जो आपको बताई है उन्होंने पहनी है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फातिमा।